ये चलेंगे उत्तराखंड के कोटद्वार में। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पानी आ जाता था। आज तो पुल है, ये किसकी देन है? खंडूड़ी जी की देन। विकास का विजन, एक विकास का विजन उत्तराखंड को दिया था खंडूड़ी जी ने, और विकास के इस विजन के साथ आज श्रीमती ऋतु खंडूड़ी जी आपके बीच में कोटद्वार से। पिछली बार वे यमकेश्वर से विधायक थी, मैं तब भी गया था। इस बार यहां पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यमकेश्वर में पिछली बार में यमकेश्वर में ही मेरी पहली सभा हुई थी, और यमकेश्वर विधानसभा सीट से श्रीमती रेणु बिष्ट जी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, देवभूमि के इस देवत्व को बचाए रखने की आवश्यकता है, और यह केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों एकदम नकारात्मक है, एकदम नकारात्मक है। कैसे देश का अपमान करते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर अभी देखा होगा आपने श्री राहुल गांधी जी का बयान। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। पाकिस्तान ने विरोध किया था, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के माध्यम से देश के अंदर आतंकवाद फैलाने का षड्यंत्र 1947 से लगातार कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी का संसद में वक्तव्य कितना दुर्भाग्यपूर्ण था, और फिर जिस उत्तराखंड ने देश की सुरक्षा के लिए एक से एक वीर बांकरों की फौज खड़ी की हो। अभी हाल ही में इस देश ने अपने सीडीएस जनरल रावत को खोया है। भाइयों बहनों, जनरल रावत पर कौन भारतीय है जो गौरव की अनुभूति नहीं करता है?